Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So today in this particular video, we are going to discuss about interactive models of communication. इससे पहले हमने communication models के बारे में discuss किया था. यहाँ पर हमने linear model के बारे में discuss कर लिया था कि linear models कौन से होते हैं. Linear models में हमने Aristotle model पढ़ा था, Laswell model पढ़ा था एंड बर्लो SMCR model के बारे में discuss कर लिया था. Now we are going to discuss about इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ. सबसे पहले लीनियर मॉडल में हमने क्या पढ़ा था, लीनियर मॉडल जो था वो किस पे फोकस था, दैट इज सेंडर फोकस्ड. ठीक है, लीनियर मॉडल कौन सा था, सेंडर फोकस्ड यहाँ पर था. तो हमने लीनियर मॉडल में एरिस्टोटल का मॉडल पढ़ा था, साथ ही साथ हमने लास्वेल और बर्लोज का SMCR मॉडल के बारे में भी डिस्कशन किया था. अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इंटरैक्टिव मॉडल्स के बारे में. तो जब भी हम इंटरैक्टिव मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं, तो जो इंटरैक्टिव मॉडल होता है ये हमेशा टू वे इंटरैक्टिव मॉडल होता है. मतलब यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन होता है. टू वे होता है मतलब आपका डियार्ड कम्युनिकेशन भी यहाँ पर हो सकता है. तो इधर जो आपका इंटरैक्टिव मॉडल है, इंटरैक्टिव मॉडल का मतलब क्या होता है, इंटरैक्टिव मॉडल आर यूज्ड इन इंटरनेट बेस्ड एंड मीडिएटेड कम्युनिकेशन सच एज टेलीफोन कन्वर्सेशन लेटर्स एक्सेट्रा. जो इंटरैक्टिव मॉडल होता है वो टू वे है. तो यहाँ पर आप आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, वो किस में आता है, इंटरैक्टिव मॉडल में आता है. यहाँ पर क्या है, देखो जो लीनियर मॉडल था वहां पर उन्होंने फीडबैक की बात नहीं करी थी, है ना, वहां पर कोई फीडबैक की बात नहीं करी गई थी. वहां पर बस हमने नॉइस की बात की थी, मतलब वहां पे नॉइस इंट्रोड्यूस हुआ था. साथ साथ हमने उसमें इफेक्ट के बारे में पढ़ा था. इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो आउटकम आता है, द आउटकम ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड द इफेक्ट. तो जो आउटकम आता है मैसेज का उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट बोलते हैं. तो हमने जो डिस्कशन किया था इफेक्ट के बारे में और नॉइस के बारे में वो लीनियर मॉडल में किया था. लेकिन जब भी हम इंटरैक्टिव मॉडल की बात करते हैं तो इंटरैक्टिव जो मॉडल होता है इट इज अ टू वे मॉडल. ये टू वे मॉडल होता है, इसमें हम इंटरैक्शन करते हैं, दिस इज अ टू वे. जबकि लीनियर मॉडल कैसा था, ओनली वन वे था. ये क्या है, टू वे है. इसमें हम इंटरैक्शन की बात करते हैं, चाहे हम फोन कॉल्स की बात करें, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की बात करें, तो ये क्या बनाता है, टू वे बनता है. साथ ही साथ इसमें हमें फीडबैक भी मिलता है. जब भी हम टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब इंटरैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, फीडबैक की बात करते हैं. क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है. जबकि इन केस ऑफ लीनियर मॉडल यहाँ पर कोई भी फीडबैक हमारे को नहीं मिलता है. तो इंटरैक्टिव मॉडल क्या है, जहां पर हमें फीडबैक यहाँ पर मिल रहा है, तो इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव मॉडल हम बोलते हैं. लीनियर मॉडल में कोई फीडबैक नहीं है, वन वे है, सेंडर फोकस यहाँ पर रहता है. तो इंटरैक्टिव मॉडल की अगर मैं बात करूं, तो इंटरैक्टिव मॉडल में आपको क्या मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है. मतलब कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, सेंडर जो है मैसेज को भेज रहा है. ठीक है, सेंडर क्या भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है. रिसीवर यहाँ पर मैसेज को रिसीव कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या देता है, फीडबैक मिलता है. ठीक है, फीडबैक मिल गया. फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, आपने किस एनवायरमेंट में भेजा है. ठीक है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या रिप्रेजेंट करता है, पर्सन का कल्चर, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनल हिस्ट्री. जब भी आप मैसेज डिजाइन कर रहे हो, जब भी आप मैसेज को भेज रहे हो, तो यहाँ पर वो मैसेज जो आप जो सेंडर मैसेज को भेज रहा है, उस सेंडर की पर्सनैलिटी क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसकी पर्सनल हिस्ट्री यहाँ पर क्या है, तो इसमें हम बात करते हैं. ये यहाँ पर जब भी हम इंटरैक्टिव मॉडल के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि सेंडर ने जो मैसेज है वो किस तरीके से फॉर्मुलेट करा है और किस तरीके का रिसीवर ने मॉडल रिसीव किया है. तो यहाँ पर एक मॉडल आता है, ऑस्गुड शर्मन मॉडल. ठीक है, ये कैसा मॉडल है आपका, इंटरैक्टिव मॉडल है. ठीक है, ये कौन सा मॉडल है, इंटरैक्टिव मॉडल है, जिसमें आपकी टू वे कम्युनिकेशन होती है, साथ साथ यहाँ पे फीडबैक भी मिलता है. तो जब भी हम बात कर रहे हैं इंटरैक्टिव मॉडल की, इंटरैक्टिव मॉडल किस पे बेस होता है यहाँ पर, तो इंटरैक्टिव मॉडल में क्या है, देखो सबसे पहले मैसेज है. ठीक है, यहाँ पर क्या आया है, मैसेज आया है. मैसेज क्या हुआ है, यहाँ पर एनकोड है. मैसेज क्या करा हुआ है, मैसेज को एनकोड किया है. उसके बाद यहाँ पे मैसेज को इंटरप्रेटेड किया हुआ है. ठीक है, मैसेज बताया हुआ है कि मैसेज कैसा है, और मैसेज डिकोड किया हुआ है. मैसेज गया किसके पास, रिसीवर के पास. ठीक है, यहाँ पर मैसेज की डिकोडिंग हुई, यहाँ पर उसको देखा गया किस तरीके का मैसेज है, फिर से यहाँ पर वापस से मैसेज को इनकोड करते हैं. मतलब यहाँ पर जब हम दोबारा मैसेज भेज रहे हैं, तो ये क्या, इंटरैक्टिव है. ये जो मैसेज जा रहा है ये किसके फॉर्म में जाता है, दिस मैसेज गोज इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक, कि यहाँ पर फीडबैक कैसा जा रहा है. तो फीडबैक वापस कौन दे रहा है, यहाँ पर रिसीवर से कहाँ पे जा रहा है, सेंडर के पास
जा रहा है। सो ये वाला मॉडल किसने दिया था? ओशगुड शर्मन मॉडल ने दिया था, जहां पे एक इंटरैक्टिव मॉडल है और इसमें किसके बारे में बात की गई थी? फीडबैक के बारे में बात करी गई थी कि हमें फीडबैक कैसा रिसीव यहाँ पर होता है। तो अगर मैं बात करूं इस मॉडल की, तो ये एक सर्कुलर मॉडल है। जब भी आपसे क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर मॉडल कौन सा है, तो वो ओशगुड का सर्कुलर मॉडल माना जाता है। इस मॉडल में क्या बोला गया है कि जो आप हमें मैसेज मिलता है, जो भी हमें मैसेज मिल रहा है, हम किसको मैसेज भेज रहे हैं? रिसीवर को भेज रहे हैं। और जब हम मैसेज भेज रहे हैं रिसीवर को, तो हमें उसके साथ में क्या मिल रहा है? एक फीडबैक मिल रहा है। तो ये इस तरह की कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन, या फिर हम इसको सर्कुलर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है? एनकोडर, मतलब हमने क्या करा यहाँ पर, जो मैसेज को एनकोड कर रहा है, ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, मैसेज जो एनकोड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनकोडर बोलते हैं। डिकोडर कौन होता है? जो मैसेज को डिकोड करता है, जो आपको फीडबैक देता है, जो मैसेज को यहाँ पर रिसीव करता है, इट इज नोन एज डिकोडर। इंटरप्रेटेटर क्या होता है? यहाँ पर जो मैसेज को समझता है, जो मैसेज को एनालाइज करता है, जो मैसेज को परसीव कर रहा है, वो कौन होएगा यहाँ पे? इंटरप्रेटर होगा। ठीक है, जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है यहाँ पे? मैसेज को समझता है, मैसेज को एनालाइज करना कि किस तरीके का मैसेज यहाँ पर आया है, उस मैसेज का डिजाइन क्या है, वो मैसेज कैसे फॉर्मुलेट हो रखा है, तो वो होता है इंटरप्रेटर का काम। ठीक है, तो मैसेज जो आ रहा है वो स्टार्ट से जो एंड तक मैसेज आ रहा है वो कैसा मैसेज आ रहा है? तो यहाँ पर फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड यहाँ पे इंटरप्रिटेशन चलती रहती है कि यहाँ पर कैसा मैसेज आया है, कैसा मैसेज को वो एनालाइज कर रहे हैं। ओशगुड शर्मन मॉडल जो है, इसमें देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। देखो ये क्या है? सर्कुलर मॉडल है, हमने देखा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे कोई सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वो डिफरेंस कैसे है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैसेज जा रहा है एनकोड होके, इंटरप्रेटर उसको क्या कर रहा है? मैसेज को एनालाइज कर रहा है, और आपको मैसेज क्या हो रहा है? डिकोड की फॉर्म में कैसे किसके पास जा रहा है? रिसीवर के पास जा रहा है। रिसीवर क्या कर रहा है? उसको डिकोड कर रहा है मैसेज को, उस मैसेज को यहाँ पर एनालाइज कर रहा है, और फिर मैसेज क्या हो रहा है यहाँ पर? दोबारा से एनकोड होके, मतलब एनकोडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? फीडबैक जो जा रहा है वो किसके पास जा रहा है? दोबारा सेंडर के पास यहाँ पर जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है सेंडर और रिसीवर के बीच में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप इक्वली मैसेज को एनकोड करते हो और इक्वली यहाँ पे मैसेज का डिकोड यहाँ पर हो रहा है। तो इंटरप्रेटर कौन हुआ? जो मैसेज को एनालाइज कर रहा है। और ये है एक सर्कुलर प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस होती है, दिस इज डायनामिक या फिर दिस इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यहाँ पर होती है। सो दिस मॉडल इज ओशगुड मॉडल। तो ओशगुड शर्मन मॉडल ने यहाँ पर चार प्रिंसिपल बताए। क्या प्रिंसिपल बताया? जब उन्होंने इस मॉडल को एक्सप्लेन करा, तो ही सेड दैट कम्युनिकेशन इज सर्कुलर। कम्युनिकेशन क्या है? सर्कुलर है, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सा मॉडल पढ़ा है? हमने यहाँ पे सर्कुलर मॉडल पढ़ा है, जिसमें क्या बोलता है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो कम्युनिकेशन कैसे है यहाँ पर? कम्युनिकेशन हुई सर्कुलर, जहां पर एनकोडर क्या करता है? मैसेज को एनकोड करता है, साथ ही साथ वहां पे जो डिकोडर्स है वो क्या कर रहा है? मैसेज को दोबारा से भेज रहा है, मतलब आपको फीडबैक दे रहा है, दोबारा से मैसेज को डिकोड करके आपको वहां पर फीडबैक मिल रहा है। तो कम्युनिकेशन कैसे यहाँ पे? कम्युनिकेशन इज सर्कुलर। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन इज इक्वल एंड रेसिप्रोकल। यहाँ पर कम्युनिकेशन कैसी है? अब देखो यहाँ पर सर्कुलर मॉडल है ना, दिस इज अ सर्कुलर मॉडल। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसी हो रही है? सर्कुलर फॉर्म में हो रही है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो रही है, और रेसिप्रोकेट यहाँ पर हो रही है। रेसिप्रोकेट कैसी हो रही है? भाई जो सेंडर है वो मैसेज को भेज रहा है, रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, लेकिन साथ साथ रिसीवर वहां पे फीडबैक भी दे रहा है। सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज सर्कुलर कम्युनिकेशन। तो इसलिए यहाँ पर बोला है कि कम्युनिकेशन कैसी होती है? इक्वल होती है एंड रेसिप्रोकेट कर सकती है। द मैसेज रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन, मतलब जो आप मैसेज भेज रहे हो उसमें क्या होता है? इंटरप्रेटर क्या करता है वहां पे? मैसेज को एनालाइज करता है कि आपने किस तरीके का जो मैसेज है वो भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर का क्या काम होता है? मैसेज को एनालाइज करना। तो यहाँ पर जो मैसेज को आप भेज रहे हो वो क्या होता है यहाँ पर? इंटरप्रेटर मैसेज को एनालाइज कर रहा है, फिर दोबारा से फीडबैक मिल रहा है, फिर वहां से इंटरप्रेटर क्या कर रहा है यहाँ पर? मैसेज को एनालाइज, मैसेज को इवेलुएट यहाँ पर कर रहा है। ये मॉडल, इसमें तीन स्टेप आए, सबसे पहले एनकोडिंग करना, डिकोडिंग करना, और फिर इंटरप्रेटिंग करना। ठीक है, मैसेज को एनालाइज पूरा किया जाता है। अब इसका सर्कुलर मॉडल का देखो, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इन सारे मॉडल्स का, मैच द फॉलोइंग करके। ठीक है,
तो जो आपका ये ऑस्गुड का मॉडल है, दिस मॉडल इज नोन एज सर्कुलर मॉडल. तो माइट भी आपके ऑप्शन में सर्कुलर मॉडल लिखा हुआ है, तो यू हैव टू मैच इट विद द सर्कुलर मॉडल. तो यहाँ पर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ सर्कुलर मॉडल का. इमेजिन यू हैव नॉट हर्ड फ्रॉम योर कॉलेज फ्रेंड फ्रॉम 15 ईयर्स, सडनली दे कॉल यू एंड यू स्टार्ट अपडेटिंग ईच अदर अबाउट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम यू हैव नॉट सीन ईच अदर. इन दिस एग्जाम्पल यू एंड योर फ्रेंड आर इक्वली इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस एंड योर कम्युनिकेशन इज सिंक्रोनस. ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर मान लो जैसे आपको कोई फ्रेंड मिलता है, ठीक है, आपने बहुत सालों से बातचीत नहीं करी है, सडनली आप कॉल करके अपनी बातें शेयर करते हो, तो दिस काइंड ऑफ मैसेज इज नॉन एज सर्कुलर. मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, सर्कुलर कम्युनिकेशन हो रही है. आप कैसे बातचीत कर रहे हो, यहाँ पे एक सर्कुलर में जा रहा है, क्योंकि जो आप मैसेज भेज रहे हो सेंडर क्या कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है, फिर वो अपनी बात बोल रहा है. तो वहां पर जो कम्युनिकेशन है वो कैसा जा रहा है, सर्कुलर जा रहा है और सिंक्रोनस यहाँ पर जा रहा है. द मैसेज इज नॉट ए सिंक्रोनस, द मैसेज हेयर इज सिंक्रोनस, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, इक्वली यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकोडिंग और डिकोडिंग हो रही है. और यहाँ पे ऑस्गुड ने क्या बोला था कि देयर इज नॉट डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. मतलब यहाँ पे कोई अंतर नहीं है सेंडर और रिसीवर के लिए. तो यहाँ पर जो आप मैसेज को भेज रहे हो, है ना, वहां पे ये मैसेज कैसे जा रहा है, इक्वली जा रहा है. जब मैसेज इक्वली जा रहा है तो सेंडर भी वही मैसेज भेज रहा है और रिसीवर भी क्या कर रहा है, वापस से फीडबैक के फॉर्म में मैसेज को भेज रहा है. So this kind of model is known as circular model. Next model की बात करते हैं. Next model is Westley and McLean model of communication. ये वाला किस लिए यूज होता है, ये वाला मॉडल यूज होता है मास कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, मास कम्युनिकेशन के लिए. तो अगर जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ रहा है, तो उसमें यहाँ पर Westley और McLean मॉडल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि आपसे वेस्टली और मैकलीन मॉडल के बारे में पूछ ले कि किसका मॉडल है. दिस इज अ मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन. तो मैकलीन मॉडल क्या बोलता है, वेस्टली एंड मैकलीन रियलाइज्ड दैट कम्युनिकेशन डज नॉट बिगिन विद वन पर्सन स्टार्ट टू टॉक, बट रादर देन व्हेन अ पर्सन रिस्पॉन्ड सिलेक्टिवली टू हिज और हर पर्टिकुलर सराउंडिंग्स. इन्होंने बोला कि यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, मतलब कम्युनिकेशन एक सिर्फ सेंडर से ही स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन वो किस पर डिपेंड करता है, हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स पे यहाँ पर डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन में जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर एनवायरमेंट कैसा है, यहाँ पर फिजिकल सराउंडिंग कैसा है. तो इस मॉडल ने क्या बोला कि यहाँ पर जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है वो हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स पे डिपेंड करती है, वो हमारी इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड पे, कल्चर पे, हमारा बिलीव्स क्या है, इस पे डिपेंड करता है. तो जब भी हम इसमें वेस्टली और मैकलीन मॉडल की बात करते हैं, तो दिस इज अ मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन. मतलब जब यहाँ पर आप कोई भी स्पीच डिलीवर करते हो, ठीक है, जैसे सपोज करो एज अ पब्लिक स्पीकर आई एम डिलीवरिंग अ स्पीच, तो यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, माय फोकस इज ऑडियंस बेस. मेरा ऑडियंस क्या होगी, मेरा फोकस होगी, तो मुझे ऑडियंस के बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, ऑडियंस किस कल्चर से बिलोंग करती है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है. तो यहाँ पर जो मैकलीन मॉडल है उन्होंने बोला कि सिर्फ जो मैसेज भेज रहा है, जो सेंडर है, वो मैसेज जो मैसेज है वो सिर्फ सेंडर पे डिपेंड नहीं करता, जबकि आपका सराउंडिंग कैसा है, आपका फिजिकल सराउंडिंग कैसा है, आपका एनवायरमेंटल सराउंडिंग कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है. और जो ऑडियंस है उसका कल्चर क्या है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इन सभी चीजों पे भी कम्युनिकेशन डिपेंड करती है, या फिर जो आप मैसेज को भेज रहे हो वो डिपेंड करता है. सो दिस इज अ मॉडल ऑफ वेस्टले एंड मैकलीन मॉडल. ये आप मॉडल देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, X1, X2, X3. ठीक है, ये क्या है, जो आप मैसेज को यहाँ पर भेज रहे हो, उसके बाद जो फीडबैक जा रहा है, फीडबैक कैसे जा रहा है, ए क्या यहाँ से आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, फिर मैसेज किसके पास जा रहा है, सी, और फिर मैसेज कैसे जा रहा है, बी की तरफ. यहाँ पर क्या है, आपको फीडबैक मिल रहा है, बी सी को फीडबैक दे रहा है, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है ना, ये इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे ट्रांसमिट हो रही है. तो इस मॉडल ने क्या बोला कि यहाँ पर जो आप फीडबैक दे रहे हो वो किस पे बेस रहता है, ऑडियंस पे यहाँ पर बेस रहता है, कि ऑडियंस आपको क्या फीडबैक दे रही है, ऑडियंस के पास आपका कैसा मैसेज डिलीवर हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आपके एनवायरमेंटल और फिजिकल फैक्टर्स कैसे हैं. ठीक है, तो सिर्फ एक मैसेज एक सेंडर पे डिपेंड नहीं करता, वो मैसेज किस पे डिपेंड करता है कि आपका आउटसाइड एनवायरमेंट यहाँ पर कैसा है. तो इस मॉडल के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं. इस मॉडल ने क्या बताया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब एनवायरमेंट कैसे रहेगा इसका, सेंसरी एक्सपीरियंसेस क्या है, सेंडर कौन है, या आपका मैसेज कहां से आ रहा है, ओरिएंट ऑब्जेक्ट जो आपको जो सोर्स आ रहा है, जो मैसेज आ रहा है आपका वो कहां से आया है, रिसीवर कौन है, कौन उसको रिसीव कर रहा है, कैसे मैसेज को एनालाइज किया जा रहा है, रिसीवर कैसे फीडबैक दे रहा है,
गेटकीपर्स। अब गेटकीपर्स कौन होते हैं? दे आर द जर्नलिस्ट, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे मास मीडिया कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं वो हम एक पब्लिक में डिलीवर कर रहे हैं, है ना, हम ऑडियंस को डिलीवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे गेटकीपर्स कौन होते हैं? जर्नलिस्ट होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो गेन करते हैं। नेक्स्ट आता है ओपिनियन लीडर्स, ठीक है, तो यहाँ पे लीडर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो आपका मैकलीन मॉडल है इसमें आपके 9 यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स है, तो ये जो कॉम्पोनेंट्स है इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपका मॉडल बना। अब जो हम इस मॉडल को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे यहां पर आपने क्या बोला कि जो हम मैसेज को भेज रहे हैं वो एक सिर्फ सेंडर के लिए ही नहीं, जबकि वो मैसेज किस पे डिपेंड करता है कि आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, आपके फिजिकल फैक्टर्स क्या है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है मैंने, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, जैसे मान लो आप ऑफिस जा रहे हो तो आपको एक एक्सीडेंट दिखा, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या मिला, स्टिमुलस मिला कि आपको क्या करना चाहिए, इनके फ्रेंड को या इनके फैमिली को कॉल करना चाहिए। तो आपने कोई एक्सीडेंट देखा और आपने क्या करा, उनके जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनको कॉल करा, तो वो जो आपने कम्युनिकेशन करी वो कम्युनिकेशन कैसे करी, वो मैकलीन मॉडल यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसा हुआ, इट डज नॉट स्टार्ट विद यू, आपने वो कम्युनिकेशन नहीं करी बट आपने वो एक्सीडेंट देखा, उस एक्सीडेंट को देख के आपने उस पर्सन की हेल्प करी, उनके फैमिली मेंबर्स को या उनके रिलेटिव्स को या उनके फ्रेंड्स को कॉल करा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं करी, वो कहाँ से स्टार्ट हुई, वो एक रोड एक्सीडेंट से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सिर्फ सेंडर के बेस पे नहीं है, मतलब यहाँ पर सिर्फ सेंडर ही कम्युनिकेशन को स्टार्ट नहीं करेगा, जबकि वो किस पे डिपेंड करता है, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस क्या है या आपके फिजिकल फैक्टर्स यहाँ पर क्या है। तो इस मॉडल में बात की गई थी इन्वायरमेंटल और फिजिकल फैक्टर्स की, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया था, मास मीडिया कम्युनिकेशन है या फिर आपका मैकलीन मॉडल है। अब इसके हम अगर मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें, मतलब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो यहाँ पे मैकलीन मॉडल ने क्या बोला, दिस मॉडल अकाउंट्स फॉर फीडबैक, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर फीडबैक आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप दोनों तरह की कम्युनिकेशन कर सकते हो, इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी हो सकती है और मास कम्युनिकेशन भी हो सकती है। साथ ही साथ ये क्या है, एक प्रेडिक्टिव मॉडल है। प्रेडिक्टिव मॉडल कैसे, जैसे मैंने आपको अभी रोड एक्सीडेंट वाला एग्जाम्पल दिया, तो वो आप क्या है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन को, है ना, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि कब किसका, ऐसे तो नहीं पता आपको कि आज इसका एक्सीडेंट होना है। तो जो रोड एक्सीडेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल से आप इजीली इस मॉडल को समझ सकते हो। तो ये जो मॉडल होता है दिस इज प्रेडिक्टिव, ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी होता है। साथ साथ इसमें आपके पास नॉन बाइनरी इंटरेक्शन होते हैं, क्योंकि हम मास मीडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके दो सोर्सेज से ज्यादा सोर्सेज हो सकते हैं जब भी आप कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात करते हो। इसलिए जब यहाँ पे दो सोर्स है, मतलब आपके डियार्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर आप इसको टू डायमेंशनल मॉडल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव मॉडल है, ये एक प्रेडिक्टिव मॉडल है, इसलिए हम यहाँ पे इसको टू डायमेंशनल मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट अकाउंट फॉर मल्टी डायमेंशन, दिस मीन दैट दिस मॉडल विल नॉट एप्लीकेबल फॉर टिपिकल कम्युनिकेशन इवेंट दैट इन्वॉल्व ब्रॉडर कंटेक्स्ट एंड वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन मैसेजेस। तो यहाँ पर जो ये मॉडल है इसके डीमेरिट्स क्या है, ये मल्टी डायमेंशनल नहीं हो सकता, टू डायमेंशनल है, यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं बट यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशन नहीं हो सकते। जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा तो आप एक टाइम पे एक ही सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, जैसे हमने रोड एक्सीडेंट का एग्जाम्पल देखा, तो वो क्या था, एक आपका है तो इंटरैक्टिव मॉडल, मतलब आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना, लेकिन वहां पर ये मॉडल किस पे डिपेंड करता है कि आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या आपके फिजिकल फैक्टर्स या आपके सराउंडिंग फैक्टर्स कैसे हैं। तो यहाँ पर आपका सोर्स जो है मल्टीपल हो सकता है, अब जरूरी थोड़ा ना कि सिर्फ एक ही लोग ने कॉल किया उनके घर वालों को, बट यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, एक सिचुएशनल बेस्ड है, एक आपका प्रिडिक्टिव नहीं, मतलब आपका प्रिडिक्शन नहीं हो सकता वहां पर। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन एज यहाँ पर वन टू डायमेंशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजेक्शनल मॉडल्स की, ठीक है। तो ट्रांजेक्शनल मॉडल्स क्या होते हैं, ट्रांजेक्शनल मॉडल्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ हम एक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, हम एक मैसेज को, या हम सिर्फ एक, इसलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं,
जबकि हम क्या करते हैं यहाँ पर, वी क्रिएट बॉन्ड्स, वी क्रिएट रिलेशनशिप। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपनी बात को नहीं पहुंचा रहे हैं, जबकि हम जो रिसीवर है उसके साथ हम बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, हम एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके की मॉडल्स को हम बोलते हैं ट्रांजेक्शनल मॉडल्स। सो इन दिस मॉडल वी डू नॉट जस्ट एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग आवर इंटरक्शन बट क्रिएट रिलेशनशिप फॉर्म क्रॉस कल्चर बॉन्ड एंड शेप आवर ओपिनियंस। तो कम्युनिकेशन क्या है यहाँ पर, हम सिर्फ एक सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे हैं, जबकि हम एक दूसरे के आइडियाज को, एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे की भावनाओं को, फीलिंग्स को हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके के मॉडल्स आते हैं ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल। इसमें हम बात करते हैं सोशल लेवल पे, रिलेशनल लेवल पे एंड कल्चरल कंटेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। सबसे पहला इसमें मॉडल्स आता है बार्लंस का, आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस मॉडल में क्या होता है, ये भी एक सर्कुलर मॉडल है, ठीक है, ये भी क्या एक सर्कुलर मॉडल है एंड अ मल्टी लेयर्ड फीडबैक सिस्टम। इसमें आपके पास एक फीडबैक नहीं आता, बल्कि आपको मल्टीपल फीडबैक्स रिसीव होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेंडर जो आपको मैसेज भेज रहा है वो सिर्फ एक बातचीत करने के लिए मैसेज नहीं भेज रहा है, जबकि यहाँ पर एक बॉन्ड, एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है इन टर्म्स ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल एंड यहाँ पर सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो बर्लिन्स ट्रांजेक्शन मॉडल्स हैं, इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर जो सेंडर है, ठीक है, और जो सेंडर है, रिसीवर है, वो क्या करते हैं, दोनों ही अपना रोल प्ले करते हैं और दोनों ही यहाँ पर इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, डिपेंड कि वो कैसा फीडबैक दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका मल्टी लेयर में फीडबैक हमें मिल सकता है और एट द सेम टाइम दोनों सेंडर और रिसीवर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इफेक्ट और इफेक्टिवनेस के। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि यहाँ पे इफेक्ट और इफेक्टिवनेस हम किस मॉडल में देखने को मिलता है, दैट इज बैलेंस ट्रांजेक्शनल मॉडल होता है, ये भी सर्कुलर है, डिपेंड करता है कि आपको मल्टी लेयर्ड फीडबैक्स यहाँ पर मिलता है, सिर्फ एक फीडबैक नहीं, यहाँ पर आपको मल्टीपल फीडबैक्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे तीन कॉम्पोनेंट्स दिए, इनकोडिंग जो मैसेज को इनकोड कर रहा है, डिकोडिंग मीन्स जो मैसेज को यहाँ पर डिकोड कर रहा है, कम्युनिकेटर्स है जो मैसेज को भेज रहे हैं, ठीक है, मैसेज कैसा आया है। अब यहाँ पे मैसेज आपका क्यूज की फॉर्म में भी आ सकता है, एनवायरमेंट एंड नॉइस, ये सब चीजें भी हम यहाँ पर फोकस करते हैं, साथ साथ यहाँ पे चैनल या फिर यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन का मीडियम कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीजें बहुत सारे डिपेंड करती है जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो। अब ये क्यूज क्या है, ठीक है, एज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजेक्शनल मॉडल्स, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शनल मॉडल्स में क्या हो रहा है, हम बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते हैं, ठीक है, हम सोशल कॉन्टेक्स्ट, हम आपका सोसाइटी देखते हैं, कल्चर देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्यूज की बात करते हैं, अगर मैं पब्लिक क्यूज को देखूं तो इन्होंने क्यूज के बारे में भी डिफाइन किया। अगर मैं पब्लिक क्यूज देखूं तो पब्लिक क्यूज में यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्यूज आ सकते हैं, प्राइवेट क्यूज आ सकते हैं कि यहाँ पर जो मैसेज भेज रहा है उसके थॉट, उसका बैकग्राउंड यहाँ पर कैसा है, बिहेवियरल क्यूज आ सकते हैं कि यहाँ पर जो मैसेज को भेज रहा है उसका बिहेवियर कैसा है, वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों फॉर्म में हो सकता है। तो ये सारे क्यूज जो है, इन्वायरमेंट है, नॉइस है, नॉइस में आपका मैसेज डिस्टोर्ट भी यहाँ पर हो सकता है। तो दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द बैकग्राउंड एक्सपीरियंस एटीट्यूड्स एंड कल्चर एंड बिलीव्स, आपके एथिक्स क्या है, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती है। सो दिस इज द मॉडल, यहाँ पर क्या आपके पास प्राइवेट क्यूज है, यहाँ पे नॉन वर्बल और बिहेवियर क्यूज है जहां पे पर्सन का बिहेवियर देखा जाता है, यहाँ पे कुछ आपके प्राइवेट क्यूज है, यहाँ पर आपके पब्लिक क्यूज है। और क्यूज के बारे में आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ, पब्लिक में कौन से आएंगे, आपके एनवायरमेंटल क्यूज आएंगे, प्राइवेट में आएंगे कि यहाँ पर जो आप मैसेज को भेज रहे हो उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन का बैकग्राउंड कैसा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैसेज का एनकोडिंग और डिकोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर सेंडर और रिसीवर क्या है, दोनों यहाँ पर सेम लेवल पे है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर बैलेंस मॉडल की बात करूं तो जब आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हो, ठीक है, चैट सेशन है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, मीटिंग्स है, ये सारे किसके एग्जांपल्स आते हैं, बर्लिन्स कम्युनिकेशन मॉडल के एग्जांपल आते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हो आप, सिर्फ एक इंटरेक्शन नहीं करते हो, जबकि इसमें आप पब्लिक, प्राइवेट और एनवायरमेंटल क्यूज का यूज करते हो। साथ ही साथ सिर्फ आप यहाँ पर एक कम्युनिकेशन नहीं करते, एक बॉन्ड, एक रिलेशनशिप, एक आपका म्यूचुअल, आपका जो रिलेशन होता है वो एक क्रिएट होता है, ताकि जो आपका कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर इफेक्टिव हो जाए। सेंडर और रिसीवर दोनों का ही क्या होता है, इक्वली रोल होता है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा, ट्रांजेक्शनल मॉडल और इंटरैक्टिव मॉडल के बारे में समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर ट्रांजेक्शनल मॉडल। तो ये जो मॉडल्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा
इम्पॉर्टेंट है एज योर आपका एग्जाम्स इज अप्रोचिंग, क्योंकि अभी आपका जो होम साइंस का एग्जाम है वो 13th of December को है। तो यहाँ पर जो अगर कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आते हैं तो कम्युनिकेशन के आप ज्यादातर क्वेश्चन जो है मॉडल से देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।